आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लिखो फटाफट, राइट डाउन। क्वेश्चन है, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द फॉलोइंग सर्कल, रेडियस ऑफ द फॉलोइंग सर्कल, फॉलोइंग सर्कल्स। फर्स्ट लिखो, फर्स्ट पार्ट लिखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस फोर वाई माइनस फोर इक्वल टू जीरो। सेकेंड क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस एट वाई प्लस ट्वेंटी इक्वल टू जीरो। थर्ड लिखो, थर्ड वन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस टू वाई प्लस टेन इक्वल टू जीरो। एंड फोर्थ वन लिखो, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री वाई स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस फोर वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो। आंसर करो, इनके सेंटर बताओ और सर्कल का रेडियस। साथ ही साथ हमें बताने कि इसका नेचर क्या है, रियल सर्कल है, पॉइंट सर्कल है, इमेजिनरी सर्कल है, इस तरह का नेचर। ठीक है, आंसर करो, आंसर दें वन बाय वन, अपने आंसर मैच करना। ठीक है, सॉल्यूशन देखना। देखो पहले ये जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस फोर वाई माइनस फोर इक्वल टू जीरो, ये सर्कल की इक्वेशन है, जनरल सर्कल। इसको हम जनरल इक्वेशन से कंपेयर करते हैं, टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो यहां से आप देखो, कंपेयर करने से क्या मिला, देखो 2g का वैल्यू कितना आ गया, 2g की जगह 2 है, मतलब x का कोएफिशिएंट जो भी होगा वो 2g माना जाएगा और y का जो कोएफिशिएंट है वो 2f माना जाएगा। तो 2f कितना हो गया, 2f हो गया माइनस फोर, 2f की जगह माइनस फोर है। तो g का वैल्यू कितना हो गया 1 और f का वैल्यू हो गया माइनस टू। तो यहां से जो सेंटर के कोऑर्डिनेट होंगे, इसे जो सेंटर मिलेगा, सेंटर जो है माइनस जी कॉमा माइनस एफ है, तो दिस इज इक्विवेलेंट टू माइनस जी कितना हो गया माइनस वन कॉमा ये टू हो गया, सेंटर हो गया माइनस वन कॉमा टू। अच्छा, रेडियस की बात करें तो रेडियस का फॉर्मूला आता था अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, यही ना। तो अब यहाँ पे अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर मतलब माइनस वन का होल स्क्वायर वन हो गया, प्लस एफ स्क्वायर टू का होल स्क्वायर फोर हो गया, माइनस सी, सी कितना है, सी है माइनस फोर, तो ये माइनस फोर पुट अप कर दे। देखो सी की जगह माइनस फोर ने ले रखी है ना, कांस्टेंट वाला पोर्शन जो है माइनस सी। तो इस तरह से आप ध्यान से देखो, ये अंडर रूट नाइन हो जाएगा तो ये थ्री हो गया, तो रेडियस कितना हो गया आर इक्वल टू थ्री। तो पहले का जो आंसर है वो सेंटर कितना हो गया, देखो सेंटर माइनस वन कॉमा टू एंड रेडियस हो जाएगा थ्री रेडियस। और देखो यहाँ पे क्या हमें इसको ऐसे सीखना, क्या डायरेक्ट हम इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं सेंटर, डायरेक्ट इस इक्वेशन को देख के क्या हम डायरेक्ट सेंटर के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। देखो ये 2g है, 2 है तो g की वैल्यू 1 होगी और माइनस g होता है तो ये माइनस 1 आ गया। अब यहाँ पे ये देखो 2f की जगह माइनस 4 है तो f हो गया माइनस 2, तो यहाँ पे ये सेंटर 2 हो गया। डायरेक्ट देखना है, डायरेक्ट है ना,
अच्छा यहाँ पे आप देखो इसका सेंटर कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो, सोच के बताओ। ऐसे देखो 2g की जगह -4 है, तो g की वैल्यू -2 हो जाएगी, तो ये कितना हो गया 2, यहाँ पे ये देखो x कोऑर्डिनेट तो 2 हो गया, इसमें y में x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट सॉरी, तो f का वैल्यू हो गया 4, तो -f है तो -4, तो सेंटर मिल गया कितना, देखो ध्यान से, यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो रहा है, प्लस है तो ये माइनस हो रहा है, क्योंकि ये माइनस जी माइनस एफ आता है सेंटर में। सो यहाँ पे देखो डायरेक्ट, क्या यहाँ डायरेक्ट सेंटर के कोऑर्डिनेट लिख पा रहे हो क्या, है ना, सेंटर के कोऑर्डिनेट। और रेडियस, रेडियस के लिए अंडर रूट ऑफ इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करना है, 4 + -4 का होल स्क्वायर 16 माइनस सी, सी कितना है 20 है, 20, तो ये तो देखो कितना हो गया, रेडियस तो 0 ही हो गया इसका, मतलब फिर ये क्या हो गया, ये तो पॉइंट सर्कल हो गया, मतलब ये जो है दिस इज अ पॉइंट सर्कल। अच्छा पॉइंट सर्कल से क्या मतलब है, पॉइंट सर्कल से मतलब आप समझा देता हूँ मैं, देखिए सेकेंड वाला सिचुएशन है, x²+y²-4x+8y+20=0, लेट से ये है, तो पॉइंट सर्कल कैसा दिखता है आप देख लीजिए, तो x²-4x+4+y²+8y+16=0, देखो मैंने इसको रीअरेंज कर दिया, 20 को 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया, 4 एंड 16 में, क्या इतनी बात समझ आई। ऐसा करने से क्या होगा कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, दैट इज x-2 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, y+4 का होल स्क्वायर = 0। तो अब आप देखो ये एक्स वाई तो रियल नंबर्स हैं, तो रियल नंबर के स्क्वायर्स का सम 0 हो रहा है, तो ये एक ही सिचुएशन में 0 हो सकता है, जब x-2 0 हो और y+4 भी 0 हो, तो इसका सेंटर तो मिल जाएगा, दैट इज 2, -4, बट रेडियस कुछ भी नहीं है, 0 है, 0 है, तो जब रेडियस 0 है तो वो क्या हो गया, ये पॉइंट हो गया, पॉइंट को ही क्या बोल रहे हैं, पॉइंट सर्कल नाम दे रहे हैं, समझ आए। नेक्स्ट थर्ड सिचुएशन देखते हैं, थर्ड सिचुएशन क्या है, हाँ इसका सेंटर बताओ, थर्ड बताओ क्या आ रहा है, सर बताओ बच्चा क्या आ रहा था थर्ड, सर थर्ड का सेंटर 1,1 आ रहा है, हाँ पर इमेजिनरी सर्कल आ रहा है। हाँ तो जब ये 1,1 सेंटर आ रहा है और रेडियस ये g², देखो g²+f²-c की वैल्यू नेगेटिव आ रही है इस सिचुएशन में, देख लेते हैं कैसे, g² की वैल्यू 1 है, प्लस f² की वैल्यू भी 1 है, और माइनस c कितना है -10, तो ये नेगेटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब कि रेडियस बनेगा ही नहीं, मतलब रेडियस इमेजिनरी आएगा, इमेजिनरी मतलब सर्कल इमेजिनरी है, और जब सर्कल इमेजिनरी है तो कुछ सेंटर मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, तो फिर हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, इमेजिनरी सर्कल का कोई सेंटर नहीं होगा, है ना, तो दिस इज डायरेक्टली आप कहोगे कि दिस इज इमेजिनरी सर्कल, इमेजिनरी सर्कल, क्या इतनी बात क्लियर है। अब ये देखो फोर्थ पार्ट में थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि ये -g - f ये सेंटर तभी होता है जब x²y² का कोएफिशिएंट 1 हो, देखो ध्यान से, जो सेंटर आते हैं, ये जो सेंटर लिखा गया वो इस इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग लिखा गया, तो आप देखो ध्यान से कि इसका कोएफिशिएंट 1 है, बाय द वे x²+y² का कोएफिशिएंट 1 है, लेकिन यदि ये कोएफिशिएंट डिफरेंट है, अदर देन 1 है, तो आप -g - f करेंगे और ये अप्लाई करेंगे तो दिक्कत में आ जाएंगे, गलत हो जाएगा क्वेश्चन, तो सबसे पहले करना क्या पड़ेगा कि
कि पहले इसको अपने रिक्वायर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो लेट्स से मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, इसको सही से करने का तरीका देख लेते हैं। फोर्थ वन है ना, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे कि थ्री से डिवाइड कर देंगे इसको, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फोर बाई थ्री वाई प्लस वन बाई थ्री इक्वल टू जीरो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फोर बाई थ्री वाई प्लस वन बाई थ्री इक्वल टू जीरो, ऐसा सिचुएशन हो गया। ना अब यहाँ पे देखो इसमें सेंटर निकाल सकते हैं, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट कितने हैं? देखो माइनस जी कॉ माइनस एफ, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट आ जाएगा, ध्यान से देखो क्या ये वन कॉमा माइनस टू बाई थ्री आएगा। ध्यान से देखो, सबसे पहले तो इसको टू से डिवाइड करके माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, इसको टू से डिवाइड करके माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस से मल्टी ये आ रहा है, सेंटर आ रहा है, लेकिन सर्कल रियल सर्कल बन भी रहा है ये भी देखना है। तो रेडियस के लिए कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर, मतलब वन स्क्वायर का वन आ गया, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो फोर बाई नाइन माइनस सी वन बाई थ्री, ऐसा सिचुएशन हो गया। तो अब यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे, अंडर रूट ऑफ वन माइनस वन बाई थ्री दैट इज टू बाई थ्री प्लस फोर बाई नाइन, वन माइनस वन बाई टू बाई थ्री प्लस फोर बाई नाइन, यहाँ पे थ्री थ्री, तो ये कितना हो गया अंडर रूट टेन बाई नाइन, तो अंडर रूट टेन बाई थ्री ये रेडियस हो गया। सो सेंटर मिल गया, आर कितना मिला अंडर रूट टेन बाई थ्री। देखो क्या यही आंसर आ रहा था, समझा सार अवनी गौरव रेवती, बताओ जल्दी से बच्चा लोग क्या ये समझ आया, क्या इक्वेशन को देख के ये समझ आ जाएगा कि सेंटर क्या है रेडियस क्या है, क्योंकि हमें इतनी प्रैक्टिस करनी है कि ये देखते ही समझ आए कि अरे इस सर्कल का सेंटर ये है। और रेडियस थोड़ा कैलकुलेशन के बाद आता है, मतलब ये इतना कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा तब जाके रेडियस, बट सेंटर तो पता चल ही जाए, देख के ही सर पता चलना चाहिए यदि रियल सर्कल है तो। नेक्स्ट लिखो, राइट डाउन अ क्वेश्चन, राइट डाउन क्वेश्चन लिखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल passing through the points a 0, 0, b 1, 0 and c 2, 3। आंसर करो, आंसर है मैं बता देता हूं कि एक तो केस है कि मैं जनरल इक्वेशन ले लूं, लेट्स से जनरल मेथड नंबर वन बना देता हूं कि लेट्स से जनरल इक्वेशन ले लूं, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, लेट्स से द सर्कल रिक्वायर्ड सर्कल इज, जो सर्कल रिक्वायर्ड है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस ई इक्वल टू जीरो, ये ले लेता हूं, ठीक है। अब क्या करूंगा कि ये इन तीनों पॉइंट से पास कर रहा है, तो ये तीनों इसे सेटिस्फाई करेंगे,
वन बाई वन, तो फर्स्ट ओरिजिन सेटिस्फाई करेगा, मतलब ये कितना हो गया, जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस सी इक्वल टू जीरो, मतलब सी का वैल्यू क्या हो गया, सी इक्वल टू जीरो, पहला सिचुएशन हो गया। ठीक है, इसमें देखो तीन अननोन है, एक जी है, एफ है और सी है, इसीलिए ये तीन पॉइंट भी गिवन है ताकि तीन इक्वेशन बने और उनको फिर सॉल्व किया जा सके। ठीक है, तो अभी एक तो आ गया सी, आ गया फर्स्ट सिचुएशन अप्लाई कर दी हमने। अच्छा, सेकंड सिचुएशन अप्लाई करते हैं, सेकंड मतलब सेकंड पॉइंट बी, वन कॉमा जीरो लाइक कर रहा है इस पे, तो वन प्लस जीरो प्लस टू जी प्लस जीरो, और सी तो जीरो है तो इसको जीरो कर देते हैं, मतलब तो जी का वैल्यू आ गया कितना, माइनस वन बाई टू, और यू कैन से कि 2g का वैल्यू जो आ रहा है, 2g का वैल्यू वही चाहिए हमें, क्योंकि यार 2g है ना डायरेक्ट, है ना, तो 2g की वैल्यू आ गई माइनस वन, माइनस वन, 2g मिल गया। इन द सेम वे एक काम करते हैं कि c को भी सेटिस्फाई करा देते हैं यहाँ पे, तीसरा सिचुएशन, क्योंकि इससे भी सर्कल पास हो रहा है ये, तो सेटिस्फाई करेगा, मतलब 4 प्लस 9 प्लस कितना हो जाएगा, 4g प्लस y की जगह 3 रखेंगे तो 6f प्लस c, c तो जीरो है तो इक्वल टू जीरो कर देते हैं, तो ये कितना हो गया, 13 प्लस 4g का वैल्यू आ जाएगा माइनस टू, देखो 2g माइनस वन है तो 4g माइनस टू आ जाएगा, प्लस 6f इक्वल टू जीरो, मतलब f का जो वैल्यू आएगा, 6f का वैल्यू आ गया माइनस 11, देखो 13 माइनस 2 11 आ गया, तो 2f जिसकी वैल्यू चाहिए, तो 2f माइनस 11 बाई 3 हो गया, देखो ध्यान से, 6f दिस 2f हो गया माइनस 11 बाई 3, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 2f की जगह पुट अप कर देंगे ये सब, तो ये जो सर्कल है ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, 2g की जगह माइनस 1 तो माइनस x, 2f की जगह माइनस 11 बाई 3 y, और प्लस c तो 0 है, तो ये हो गया रिक्वायर्ड सर्कल इज दिस, दिस इज द आंसर। आई होप कि ये आया होगा तुम सबसे, मिला क्या आंसर। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि ये जो कोऑर्डिनेट हैं, ये इतने आसान कोऑर्डिनेट हैं कि ये आसानी से तीनों निकल आए हैं, जी एफ और सी आसानी से निकल आते हैं, लेकिन यदि ये कोऑर्डिनेट कुछ डिफरेंट हो अपार्ट फ्रॉम दिस, इतने इजी क्योंकि बहुत सारे जीरोज हैं, इनके अलावा कुछ हो, तो फिर ये 3 डिग्री की लीनियर इक्वेशन बनेगा, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, तीन लीनियर इक्वेशन बनेगा जिसमें वेरिएबल होंगे जी एफ और सी, और तीनों को फिर आपको सॉल्व करके निकालना पड़ेगा। तो कई बार ये जो क्वेश्चन है, ये जो मेथड है, बाय द वे हमने जो मेथड अप्लाई किया है, ये थोड़ा लेंथी मेथड भी हो सकता है, जितना आसानी से ये दिख रहा है ऐसा नहीं है, ये सिंपल पहला क्वेश्चन था इसलिए आपको ऐसा सिंपल बता दिया। ठीक है, अच्छा एक और दूसरा मेथड देख लेते हैं, मेथड नंबर टू, और ये मेथड क्या है कि देखो ये तीन पॉइंट गिवन है, लेट से ये इन्होंने दिया हुआ है, ए पॉइंट जो है ओरिजिन है, ए पॉइंट है ओरिजिन 0,0 लेट से, और बी पॉइंट है 1,0, कॉल दिस बी बी 1,0, और सी पॉइंट है 2,3, कॉल दिस बी सी 2,3। हमें सरकम सर्कल की इक्वेशन चाहिए, सरकम सर्कल ये ना, तो अब आप देख सकते हो कि सरकम सर्कल है, तो यहाँ कहीं सरकम सेंटर होता है, सरकम सेंटर क्या होता है,
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, साइड बाइसेक्टर जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं वो सरकम सेंटर आ जाएगा, है ना। स्ट्रेट लाइन में हमने सीखा, जैसे ही सरकम सेंटर आया तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो है वो रेडियस का काम करेगी, रेडियस का काम करेगी। तो क्या कर सकते हैं, करना क्या है बताओ, कि सरकम सेंटर निकालना है सबसे पहले। तो सरकम सेंटर निकालने के लिए ए बी का मिड पॉइंट लेट से, ए बी का मिड पॉइंट लेट से डी बना देते हैं और बी सी का मिड पॉइंट बना देते हैं ई। तो डी के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे बताओ, ये 1/2, 0, देखो ध्यान से 1/2, 0, और बी सी का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा 3/2, 3/2, थिंक अबाउट इट, 3/2, 3/2 ये आ रहा है। अब हमें बाइसेक्टर्स की इक्वेशन चाहिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स की, तो ओडी चाहिए हमें, लेट से बाय द वे ओडी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर चाहिए। तो वाई माइनस जीरो इज इक्वल टू एम ऑफ ओडी, ओडी का स्लोप एक्स माइनस 1/2, बस ओडी का स्लोप चाहिए। तो ध्यान से देखो, एम ऑफ ओडी, स्लोप ऑफ ओडी कितना हो जाएगा, क्या माइनस 1/m ऑफ ए बी होगा, ए बी, बाय द वे ए बी का स्लोप जीरो है, ए बी का स्लोप जीरो है, देखो ध्यान से। तो एम ऑफ ओडी कितना हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, मतलब कहने का मतलब कि यहां से जो पास करेगी, ये जो बाइसेक्टर है ये वाई एक्सेस के पैरेलल होगा, वाई एक्सेस के पैरेलल होगा, वाई एक्सेस के पैरेलल होने का मतलब है कि ओडी बाइसेक्टर की जो इक्वेशन होगी वो हो जाएगी एक्स इक्वल टू हाफ, एक्स इक्वल टू हाफ, ये मिला। अच्छा, ये ओ ई बाइसेक्टर चाहिए, ओ ई बाइसेक्टर, ओ ई बाइसेक्टर के लिए क्या करना है, पहले तो एम ऑफ बी सी निकालो, बी सी कितना मिलेगा, 3-0/2-1, सो 3 आ गया, एम ऑफ बी सी इज 3। तो ओ ई, ओ ई का इक्वेशन वाई माइनस 3/2 इज इक्वल टू ओ ई का स्लोप आ जाएगा माइनस 1/3 टाइम्स एक्स माइनस 1/3। सो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 टाइम्स कर देते हैं, 3y माइनस 9/2 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1/3, 3y माइनस 9/2 इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1/3, और 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 18y-27 इज इक्वल टू माइनस 6x+2। देखो ध्यान से, इस तरह से इसको रीअरेंज कर देते हैं तो मिलेगा 6x+18y इज इक्वल टू 29 हो गया, है ना। तो ये एक बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये दूसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं, सॉल्व देम, तो एक्स इक्वल टू हाफ पुट अप कर देते हैं, 6×1/2+18y इज इक्वल टू 29, सो 16y इज इक्वल टू 29-3, तो दिस इज 26, सो y इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 13/8। देखो यहाँ पे गंदा क्यों आ रहा है, देखो कहीं गलत तो नहीं किया हम लोगों ने, कैलकुलेशन एक बार देख लो फटाफट, ये 3/2, 3/2 बिल्कुल सही है, ये सेंटर BC का स्लोप,
हाँ यहाँ गड़बड़ कर दिया हम लोगों ने, ये देखो ये 3/2 है ना, इधर भी 3/2 ही आना चाहिए, ये गड़बड़ कर दिया इसलिए ये गड़बड़ हो गया। कितना मिलेगा ये देखो 3/2 है ना, 3/2 3/2 ये 3/2 आएगा बच्चा। तो अभी 6 से मल्टीप्लाई कर देते, 6y-9 इज इक्वल टू -2 टाइम्स x-3/2 ना, तो कितना मिलेगा 6y-9 इज इक्वल टू -2x+3, ये आ गया। मतलब 2x+6y = 11, देखो ध्यान से, हाँ 2x+6y = 11 आ गया। तो ये वन है और ये सेकंड है, इन दोनों को आप सॉल्व करो, x = half सॉल्व करेंगे तो 2x का वैल्यू 1 आ गया, 1+6y = 11, तो y = कितना आ जाएगा 10/6, दैट इज 5/3, 10/6, 5/3 लिख सकते हैं। तो ये सरकम सेंटर आ गया, कितना सरकम सेंटर आ गया 1/2, 5/3 है ना। तो आप देख रहे हो कि यहाँ ये भी मेथड उतना आसान नहीं दिख रहा है, फिर भी ठीक है, कैलकुलेशन दिख रही है यहाँ पे। सर्कम सेंटर मिल गया, रेडियस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस रेडियस हो जाएगा, तो सर्किल रिक्वायर्ड सर्किल जो होगा, रिक्वायर्ड सर्किल की इक्वेशन हो जाएगी x-1/2 2+y-5/3 2r2। तो r स्क्वायर क्या, ये डिस्टेंस है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 1/2 2+5/3 2, ऐसा ये सिचुएशन है। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं तो मिलेगा कितना, x²-2ab करेंगे तो x आ जाएगा, +1/2 2, इसको एज इट इज छोड़ेंगे है ना, y²-2ab करेंगे तो कितना मिलेगा -10y/3 +5/3 2, इसको ऐसे ही छोड़ेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि राइट साइड में ये सब दिया हुआ, तो ये कट हो गया, ऐसा ऐसा कट हो गया। तो जो सर्कल की इक्वेशन बनी है क्या बनी है, x²+y²-x-10y/3 = 0, कहाँ गलती कर दी है हम लोग, कहाँ गलती किए हैं, क्योंकि ये 11/3 आना चाहिए, 11/3y आना चाहिए, जबकि 10y/3 है, इट मीन्स दैट वी हैव डन समथिंग रॉन्ग। ठीक है, BC का स्लोप आ रहा है 3-0, 2-1, 3 हो गया, y-3/2, 3/2, इक्वल टू ये कितना आ गया, तो बिल्कुल ठीक है 2x+6y। अच्छा 9 3 12 होता है,
यार 9 3 12 होगा ना यहाँ, तो लोग भी थोड़ा ध्यान दो बच्चा लोग। ये यहाँ पे देखो ध्यान से कितना आ रहा है, 9 9 3 12 होगा ना, इधर 12 आ जाएगा। और यहाँ पे 12 आया तो 2 से डिवाइड करेंगे इसको, या डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं तो